नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, इस बार चुनाव नज़दीक है तो उत्तराखंड सरकार मेहरबान हुई है तो UK SSSC द्वारा कुछ अन्य पदों पर फिर से विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए, उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के 8 पद तथा प्रयोगशाला सहायक के 7 पदों, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के 2 पद, विभिन्न निगमों के निकायों पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के 291 पदों, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के 87, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 9 पदों पर, फोटोग्राफर के 2 पदों पर, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के 5 पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्त 8 पदों, संस्कृत निदेशालय के अंतर्गत रसायनविद के रिक्त 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पदों तथा पशुपालन विभाग के अंतर्गत स्नातक सहायक के 2 पदों पर अर्थात 334 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया हुआ है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आज 30 तारीख है। प्रारंभ होने की जो ऑनलाइन होगा आवेदन, वो 6 तारीख से शुरू होगा जुलाई में, और अंतिम तिथि होगी अगस्त 19 तारीख। ठीक है, जो परीक्षा का शुल्क दिया जाएगा वो 21 तारीख तक ही दिया जाएगा, और जो अनुमानित तिथि है वो दिसंबर में दी गई है। ठीक है, देखिए अब क्या क्या है। उत्तराखंड सेवा अधिनियम सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण रेखा के 8 पद जो ऊपर लिखा हुआ था, सारा वही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ है कि इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 19 तारीख तक लॉग इन करके आवेदन पत्र भर सकते हैं। फिर वही चीज़ जो हर बार मैं तीसरी वीडियो में फिर वही बता रहा हूँ आपको कि OTR भरना अनिवार्य है। जिन भी अभ्यर्थियों ने OTR नहीं भरे हैं वो प्लीज़ OTR भर लें। ठीक है, और OTR कैसे कंप्लीट करना है वो बहुत ईजी है, आपको केवल अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर नहीं होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर आपने OTR नहीं भरा हुआ है या फिर गलत भरा हुआ है अभी, तो क्या करोगे आप, उसमें एडिट विकल्प में जाके क्या कर सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो। नहीं भरा है तो प्लीज़ भर लेना। ठीक है, और अगर आपका OTR गलत है या फिर त्रुटिपूर्ण है तो क्या होगा, त्रुटिपूर्ण OTR तथा त्रुटिपूर्ण पत्र के कारण अभिलेख सत्यापन में के समय जो अभ्यर्थन को है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। OTR भरने में सहायता के लिए आपको टोल फ्री नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आयोग की वेबसाइट दी है, आप इनमें से संपर्क कर सकते हो। जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से किया जा सकता है, वो हालातों के आधार पर निर्भर करता है। अगर कोविड की कंडीशन ज़्यादा रही तो ऑनलाइन भी हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में उपरोक्त समय अनुमानित है एवं परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट पर आ जाएगा या फिर न्यूज़पेपर में आ जाएगा, और बच्चों को मैसेज भी आ जाएगा जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर करवा रखा है। कोई भी आयोग द्वारा कोई भी डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा आपके घर में। ठीक है, ऐसा इंतज़ार ना कीजिएगा कि आपको घर में भेजा जाएगा एडमिट कार्ड आप आयोग की वेबसाइट में जाके डाउनलोड करेंगे, वो भी तब करेंगे जब आयोग आपको इन्फॉर्म करेगा मैसेज के द्वारा। चलिए अब देखिए कौन कौन से पद हैं। अनुश्रवण सहायक के हैं 8 पद। ठीक है, इसका वेतनमान क्या है, लेवल 2 की है, 19900 से 63200 तक, 21 से 42 वर्ष तक की आयु है। सेक्शन अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा, 12वीं के विज्ञान के स्तर का होगा। अगला है प्रयोगशाला सहायक, इसके 7 पद हैं, इसका भी लेवल 2 का वेतनमान है, 42 साल तक की इसकी एज है, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है। ठीक है, इसमें भी जो लिखित परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, और 12 का ही इसमें क्या है वो होगा, कोर्स आएगा इसमें। अगला पद है इसका सहकारिता पर्यवेक्षक, ये क्या है, ये भी जो लेवल 2 का है। ठीक है, 42 वर्ष तक की है, इसमें 18 साल से मांगा हुआ है, उसमें 21 साल से आगे था, ये भी क्या है, स्थाई हैं। और विद्यालय शिक्षा एवं परिषद उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा स्तर से इंटरमीडिएट विज्ञान, ये सब साइंस वाली हैं। ठीक है, यह सरकार द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थ है, अभी तक 3 जो पद बोले हैं तीनों में क्या है, विज्ञान वाला चाहिए, इंटरमीडिएट विज्ञान। लिखित परीक्षा के में समान अंक प्राप्त करने के पश्चात जो आयु में बड़ा होगा उसे
वो मिलेगी, क्या वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, लिखित परीक्षा के 100 अंकों की होगी और पाठ्यक्रम का इंटर का साइंस। अगला है पर्यावरण पर्यवेक्षक। ठीक है, ये देखिए, अब इसमें अलग अलग पद पे हैं, कितने हैं, 291 हैं। ये मैं आपको PDF उसमें मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे हैं। ठीक है, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, डाउनलोड ना हो रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ आपको बता दूँगा, कोई अदर लिंक होगा तो उसके थ्रू आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, इसके लिए ये भी Level 3 का है, 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, आयु सीमा क्या, 18 से 42 वर्ष। ये क्या है, ये भी क्या है, स्थाई है, केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हो, वो भी क्या है, विज्ञान वर्ग साइंस वाला ही होगा। फिर वही कंडीशन है कि अगर लिखित परीक्षा में ज़्यादा समान नंबर हैं तो जिसकी आयु ज़्यादा होगी उसे वरीयता मिलेगी। 2 घंटे का पेपर होगा और पाठ्यक्रम क्या है, इंटर का विज्ञान। देखिए उसके बाद किस किस में है, प्रयोगशाला सहायक, कुल 87 पद हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, 18 से 42 साल की वो है एज लिमिट। ठीक है, 25,500 से 81,100, यानी कि Level 4 का है। इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है, इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला संबंधित विषय में 7 या राज्यपाल द्वारा उसी के समक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। और फिर वही है, अगर समान अंक होंगे तो ज्येष्ठता, जो उम्र में ज़्यादा बड़ा होगा, 2 घंटे की होगी, ऑब्जेक्टिव पेपर और लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर का विज्ञान होगा। अगला है आपका प्रयोगशाला सहायक, 9 पद। ठीक है, ये भी क्या है, Level 4 का है, 21 साल से 42 साल तक। ये भी इसकी जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या फिर विधि विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस बोर्ड में से किसी एक विषय के साथ कम से कम 50 अंकों के साथ BSc यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री उत्तीर्ण हो। ठीक है, क्या क्या बोल रहा, भौतिक, रसायन, प्राणी, वनस्पति या फिर फॉरेंसिक, किसी एक विषय बोला है, यानी कि आप PCM वाले भी हो सकते हो और ZBC वाले भी हो सकते हो, क्योंकि PCM वाले के पास भौतिक होगी, ZBC वाले के पास रसायन भी होगी। ठीक है, देखिए इसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का, और जो परीक्षा होगी वो इंटर के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। ठीक है, केवल इसमें जो मांगी गई है शैक्षिक अर्हता, वो BSc की डिग्री मांगी हुई है, लेकिन जो सिलेबस है पढ़ने के लिए वो क्या है, 12वीं का कह रहा है। अगला है फोटोग्राफर के 2 पद। ठीक है, इसमें क्या है, ये भी क्या है, Level 5 का है, 21 से 42 साल तक। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50 अंकों के साथ BSc की डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण है। देखिए इसमें प्रॉपर कहा है फिजिक्स के साथ, भौतिक विज्ञान के साथ उत्तीर्ण की गई हो। फिर अगर लिखित परीक्षा में समान अंक होंगे तो जो उम्र में ज़्यादा होगा। फिर देखिए वैज्ञानिक सहायक, 5 पद। ठीक है, वैज्ञानिक सहायक उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में है। ये भी क्या है, 35 Level 6 का है, 35,400 से 112,400 तक की, 42 साल तक इसकी एज लिमिट है। ठीक है, स्थाई है, भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव रासायनिक, पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, किस किस में, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान। ठीक है, यानी कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट साइंस ये कहा जा रहा है, वो भी कौन सा कह रहा है, हो किसी में भी स्नातकोर, यानी कि आपने MSc कर रखी हो। ठीक है, MSc कर रखी हो किस में, जंतु विज्ञान, मनुष्य विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर पर्यावरण विज्ञान में, MSc वाली है ये। और फिर वही है इसमें कि अगर समान अंक होंगे तो ज्येष्ठता को मिलेगी। चयन के लिए 100 अंकों का 2 घंटे का पेपर होगा और पाठ्यक्रम इसमें फिर से इंटर का रख दिया है। देखिए अगला है फिर फार्मासिस्ट में क्लियर क्या है, Level 6 का है, ग्रेड पे जो वेतनमान है वो Level 6 का है, 21 से 42 साल। इसकी शैक्षणिक अर्हता जरा अलग है, वो है क्या, पहला क्या है, माध्यमिक शिक्षा
परिषद उत्तराखंड परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ सरकार द्वारा किसी समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। देखिए कौन कौन से, इंटरमीडिएट परीक्षा में जीव विज्ञान या गणित के साथ, जो 12 में बायोलॉजी वाला है या फिर गणित वाला है, ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। दूसरा, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में भी पंजीकृत हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है, फार्मेसी का डिप्लोमा होना चाहिए और फार्मेसी जो काउंसिल है उसमें क्या होना चाहिए, पंजीकरण भी होना चाहिए उसका। तीसरा, उसका देवनागरी लिपि में हिंदी, यानी जो हमारी देवनागरी लिपि हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए आपको, ठीक है। फिर अगला है, अगर लिखित में समान अंक आए तो जो उम्र में ज़्यादा होगा उसे क्या होगी, नौकरी दी जाएगी। इसमें भी 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का, वस्तुनिष्ठ है और अभी तक जितने भी हैं सबका क्या है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। 12वीं तक की साइंस, केवल 12वीं तक की। देखिए अगला है रसायनविद, एक पद है इसका, ठीक है, एक पद क्या है इसमें, संस्कृत निदेशालय, ठीक है, संस्कृत निदेशालय में है। फिर यही इसकी लेवल 5 की है, 21 से 42 वर्ष कहा गया है। भारत में विश्व के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि की गई हो, यानी कि ZVC या फिर PCM, आप दोनों में से कुछ भी हो, आपके पास एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है, BSc में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। ख्याति प्राप्त संरक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल का, ठीक है। फिर देखिए, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का है, ठीक है, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसमें भी जो पाठ्यक्रम है वो इंटर की विज्ञान ही है। अभी तक आपने जितने भी देखे सब में क्या है, 12वीं की साइंस का ही पेपर आएगा। अगला पद है आपके पास केमिस्ट्री का, 12 पद हैं इसमें, ठीक है, लेवल 6 का ग्रेड पे है, 42 साल तक की इसकी उम्र है, 18 से 42 साल, और जो इसमें शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातकोर की उपाधि, स्नातकोर कहा गया है, यानी कि आपको MSc कहा गया है, किसके साथ, रसायन शास्त्र के साथ MSc होनी चाहिए। अगर 2 या 3 कई लोगों के अगर समान अंक आते हैं तो एज के आधार पर उन्हें वरीयता दी जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा क्या है, 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की, और क्या होगा, इंटर का ही सिलेबस आएगा। अगला है आपके पास स्नातक सहायक, इसके 2 पद हैं, स्नातक सहायक या लेवल 6 का है, 21 से 42 साल। अब जो अनिवार्य और अधिमानी, इसमें देखिए अनिवार्य क्या है, भौतिक रसायन गणित या सांख्यिकी के साथ कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि हो, कम से कम द्वितीय श्रेणी में, ठीक है। और अधिमानी ऊन विश्लेषण में प्रशिक्षण होना चाहिए, किसमें, ऊन विश्लेषण में परीक्षण। अधिमानी में क्या कह रहा है, लिखित परीक्षा में अगर समान अंक हैं तो आयु के आधार पर ज्येष्ठता दी जाएगी। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 100 अंकों का है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इंटर का ही सिलेबस आएगा। अब देखिए लिखित जो प्रतियोगी परीक्षा है, सामान्य OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम 45 अंक लाना जरूरी है, अनुसूची और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर सही के लिए और 0.25 यानी कि 1/4 भाग काटा जाएगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जानी है, ठीक है। उसके बाद जो OMR की बात कर रहे हैं, क्या होगा, लिखित परीक्षा में OMR उत्तर पत्रक ट्रिपलिटेक में होंगे, OMR उत्तर पत्रक की द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जानी होगी, ठीक है। यानी कि जो ये कह रहे हैं ट्रिपलिकेट का मतलब 3 टुकड़े होंगे AMR के, पहला जो आप भरोगे, दूसरा संभाली जाएगी और तीसरी आप घर ले जाओगे। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्र के मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे, ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, अभी तक OMR के साथ आपके 1 कार्बन कॉपी आती थी, आप दूसरी वाली कार्बन कॉपी घर ले जाते थे, इसमें 3 कुल मिला के 3 पेज हैं, पहला मेन है और 2 कार्बन कॉपियाँ हैं, आपको पहला और दूसरा पेज जमा करना है और तीसरा वाला घर ले जाना है,
ऐसा ना कर दीजिएगा कि आप बाघ के दोनों घर ले गए, ऐसा करने पे आपका परिणाम शून्य कर दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग के लिए बोल रहा है। ठीक है, लिखित परीक्षा CBT होने की स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रतिक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो क्या है स्थिति में प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब आयु सीमा का, आयु की गणना क्या होगी, 1 जुलाई 2020 के अनुसार की जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई 2020 को 42 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या है 42 साल ही बोला गया है, 42 साल से कम का ही होना चाहिए। अगला देखते हैं, अब अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता ये आप सभी जानते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, ये सब तभी हैं जब आप क्या होंगे क्वालिफाई कर चुके होंगे, उसके बाद ये सब काम में आएंगे। ठीक है, तब तक केवल आपको अपना क्या देखना है, अपना एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना है और पेपर की डेट की देखना है, बाकी आरक्षण आप सभी जानते हो कैसे है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, कितना शुल्क लगेगा जो आपके अनारक्षित और OBC वाले हैं, यानी कि जनरल और OBC के लिए 300 रुपये का फॉर्म है, प्रत्येक फॉर्म 300 का है, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके लिए 150 रुपये का है, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये का है। ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड लक, आप सभी फॉर्म भरिए। ठीक है, और पेपर क्वालिफाई कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बी सेफ़।